हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, नॉइज़ ने बहुत ही बढ़िया बजट कॉलिंग वॉच को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको मेटल बिल्ड और एच टू एच डिस्प्ले मिलने वाली है। और इस वॉच का नाम है नॉइज़ आइकन 3। आज इसका फुल डिटेल रिव्यू होने वाला है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स मिल जाता है, जैसा कि नॉइज़ की दूसरी वॉचेस में मिलता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मेंशन किए हुए मिल जाते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्राउडली डिजाइन्ड इन इंडिया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वारंटी कार्ड मिल जाता है, उसके बाद नॉइज़ के स्टिकर्स मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से वॉच रखी हुई मिल जाती है। और देख सकते हैं भाई, वॉच का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बाकी यहाँ पर आपको एक केबल दी गई है, जिससे वॉच को चार्ज कर सकते हैं, और लास्ट में आपको यूज़र मैनुअल मिल जाती है। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं। बाकी आते हैं वॉच की तरफ, और इसको अनरैप करते हैं और फ़ोन से पेयर करते हैं। बाकी पेयर करना काफ़ी इजी है, आप लोगों को पता है, बस एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद जाना है ऐड न्यू डिवाइस पे, और यहाँ पर वॉच आ जाएगी, इस पर टैप कर देना है और आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी। बाकी इस वॉच की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। और इसमें आपको नॉइस फिट ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल चिप का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको दो जगह पर पेयर करना पड़ेगा, एक तो एप्लीकेशन में, दूसरा ब्लूटूथ सेटिंग में, तभी आप कॉलिंग फीचर को यूज़ कर पाएंगे। तो अब आते हैं वॉच की तरफ, और सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह की डिज़ाइन मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर एक बटन दी गई है, जो कि वर्किंग क्राउन है, और इसकी मदद से आप वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। बाकी इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है, तो ये पतली रिस्ट वालों के लिए नहीं है। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो साइड्स के फ्रेम मिलते हैं वो मेटल के मिल जाते हैं, और जो बैक साइड की बॉडी है वो प्लास्टिक की दी गई है। तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है इस वॉच की, और देखने में मजबूत फील होती है। और स्ट्रैप की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का आपको स्ट्रैप मिल जाता है, जो कि सॉफ्ट है, और अगर आप देर तक भी पहनते हैं तो आपको कोई भी इरिटेशन वगैरह नहीं होगा। बाकी इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा मुझे, और ये काफ़ी यूनिक कलर है और इससे पहले मैंने किसी भी वॉच में नहीं देखा। तो कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी मस्त है, और लुक वाइज वॉच काफ़ी प्रीमियम लगती है। उसके साथ इसमें IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो लगभग 1.5 मीटर गहरे पानी तक इस वॉच को यूज़ कर सकते हैं। तो डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है इस वॉच की। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका साइज़ है 1.91 इंचेस का, जो कि काफ़ी बड़ी है, और ये TFT पैनल है। बाकी डिस्प्ले शार्प है और कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। और ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, तो डिस्प्ले सुपर ब्राइट है और आप आउट में आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही बेजल की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम बेजल देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर आपको चारों ओर एक जैसे बेजल मिलते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है इस वॉच में, और इसका रेस्ट वर्क फंक्शन भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, तो जैसे ही हैंड को रेस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। और वॉचेस की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन 8 वॉचेस मिल जाती हैं वॉच में, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं, और क्वालिटी आपको बस ठीक ठाक मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज आती है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाती है। बाकी एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 100 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको बस एक ही तरह की मेन्यू स्टाइल मिलती है इसमें। अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स की, तो चलते हैं इसके मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर नॉइज़ हेल्थ में जाएंगे, तो यहाँ पर एक्टिविटी में जाएंगे, तो यहाँ सब एक्टिविटी रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग और ब्लड ऑक्सीजन का फीचर मिल जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जिसमें आपको वॉकिंग, रनिंग, उसके बाद साइकिलिंग, योगा, काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं। और एक्यूरेसी की बात हम लोग आगे करेंगे। और मैसेजेस में जाएंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और इसमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी सपोर्ट मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद नॉइज़ बज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिसेंट कॉल हो गया, उसके बाद डायल पैड और कॉन्टैक्ट्स का फीचर दिया गया है, और इसमें आप अपने 8 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप QR कोड को स्टोर कर सकते हैं वॉच में, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर वेदर फोरकास्ट मिल जाता है, जहाँ पर आपको लगभग 7 दिन का वेदर शो हो जाता है। उसके बाद कैमरा कंट्रोल, और यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का फीचर दिया गया है, जहाँ पर आपको वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद चलते हैं क्लॉक में, तो यहाँ पर आपको स्टॉपवॉच हो गया, उसके बाद अलार्म, और वॉच से आप अलार्म को सेट नहीं कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर टाइमर का फीचर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 गेम भी मिल जाते हैं, जिसको खेलकर आप टाइम पास कर सकते हैं। बाकी इस वॉच में आपको कैलकुलेटर का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है, और इस पर आप आराम से गुणागणित कर सकते हैं। और लास्ट में आपको सेटिंग्स मिल जाती है। अब सेटिंग्स में चलते हैं, तो यहाँ पर वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन एंड रिंग में जाएंगे, तो यहाँ से मोड को सेट कर सकते हैं, आपको म्यूट रखना है, रिंग रखना है, वो सब आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद लो पावर मोड हो गया, और यहाँ पर पासवर्ड लगाकर वॉच को लॉक करने का फीचर भी दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद अबाउट, पावर ऑफ, रीसेट, रीस्टार्ट, और यहाँ पर फाइंड फोन का फीचर भी दिया गया है। और लास्ट में आप ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर QR कोड शो हो जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और इस वॉच की एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सबसे पहले इसके पेडोमीटर की बात करें तो यहाँ पर मैंने 100 स्टेप्स लिए और इसने 101 काउंट किए। उसके बाद मैंने उसी को कंटिन्यू किया और 200 स्टेप्स लिए और इसने 206 काउंट किए।
तो जो रिजल्ट आया वो काफ़ी हद तक एक्यूरेट आया। बाकी हार्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर हार्ट रेट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और मैंने इसको ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो देख सकते हैं जो रीडिंग आ रही है काफ़ी हद तक मैच कर रही है। एसपीओटी की बात करें तो उतना रिलायबल नहीं होता है, और यहाँ पर भी जो रीडिंग आती है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आती है, और आप वॉच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं एसपीओटी के लिए। बाकी रही बात स्लिप ट्रैकिंग की, तो यहाँ पर इसकी स्लिप की एक्यूरेसी मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको हार्ट रेट और पेडोमीटर काफ़ी अच्छा मिल जाता है इस वॉच में। और ये कॉलिंग वॉच है तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है, और दोनों की क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी। स्पीकर बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बट क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है इसमें। और जब कॉल आता है तो कॉल को कट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और इसमें आपको कॉल स्विच का फीचर भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी स्पीकर की क्वालिटी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो स्पीकर की जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर आप शोर वाले एरिया में रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आप रूम में बैठे रहेंगे तो आप आराम से इससे बात कर सकते हैं। और यूआई की बात करें तो इसका यूआई अच्छा है और लैग नहीं करता है। सबसे पहले ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो जाती है, उसके बाद नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर दिया गया है, उसके बाद लेफ्ट से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेप्स हो गया, उसके बाद स्लिप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, SPO2। और राइट से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप QR कोड को देख सकते हैं इसमें। बाकी डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं, और क्राउन को रोटेट करके भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं। बाकी प्रेस करेंगे तो आप मेन्यू में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह का UI दिया गया है इसमें। अब लास्ट की बात है इसके बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर इसका बैटरी बैकअप काफ़ी इंप्रेसिव है, और आपको आराम से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा कॉलिंग फीचर के साथ। बाकी अगर आप कॉलिंग फीचर यूज़ नहीं करते हैं तो आपको 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप भी मिल सकता है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। आते हैं वर्डिक पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जो लॉन्च प्राइस है वही मात्र 1,999 रुपये, और इस प्राइस में देखा जाए तो भाई काफ़ी तगड़ी वॉच है। बाकी बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा और हो जाएगा 2,499 रुपये। तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो भाई 2,000 में काफ़ी सही वॉच है, और आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिज़ाइन मिलती है काफ़ी खूबसूरत मिलती है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको H2H डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी कमी की बात करें तो यहाँ पर कुछ कमी भी है, जैसे कि इसमें आपको सिंगल चिप का सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद दूसरी कमी की बात करें तो इसका जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। बाकी जो तीसरी कमी है वो है इसकी स्लिप ट्रैकिंग उतनी एक्यूरेट नहीं है। तो ये कुछ कमी भी है, बाकी आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी ये जो ब्लू कलर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और काफ़ी यूनिक है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।